सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो। सो फाइनली आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा। ओके, जिनके भी सीट मिले थे राउंड वन में या फिर जिनको सीट नहीं मिला था राउंड वन में, तो उनको क्या करना आगे, फर्दर प्रोसेस, कौन सा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रखना है जोसा काउंसिल की वेबसाइट से। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते हैं, ठीक है, तो फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होता है। तो देखो, पहली बात तो इसमें दो केस है, पहले स्टूडेंट्स को राउंड वन में सीट मिला होगा और राउंड वन में किसी को सीट नहीं मिला होगा, दोनों ही केस की बात करेंगे। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और जो लोग अभी तक सी एस बी काउंसिलिंग हेल्प डेस्क नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लो, ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए मैंने लॉन्च किया था। ओके, सो इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिला, इसमें आप जोसा काउंसिलिंग के भी जो भी डाउट्स होंगे वो पूछ सकते हो थ्रू आउट द काउंसिलिंग। ओके, और आपको सीएसबी काउंसिल में आपके रैंक अकॉर्डिंग, इस बार कट ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ मिल रहा होगा। ओके, तो सारा कुछ कंप्लीट डिस्कशन आपको इसमें मिल रहा होगा। ओके, सो जरूर ज्वाइन करेगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक शेयर कर दिया। ओके, अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है राउंड वन के बाद। देखो, जिसको सीट मिल चुका है और जिनका वेरीफाइड हो चुका है डॉक्यूमेंट, तो उनको वेरिफिकेशन लेटर आया होगा, ठीक है, सीट कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपको वही वाला जिसमें लेटर में जिसमें आपको रिमार्क होगा, किसी किसी में रिमार्क में ब्लैंक होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो इसलिए ब्लैंक है क्योंकि आपका फाइनल नहीं है, ठीक है, राउंड टू राउंड थ्री के बाद भी आपको वैसे ही लेटर आता रहेगा, ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से मिलेगा आपको, जोसा काउंसलिंग की वेबसाइट पे जब लॉगिन करोगे तो नीचे में लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको दिख जाएगा, ठीक है, और उसमें आपको मेंशन होगा कि आप कौन सा सीट अलॉट हुआ है आपका, उसमें ये भी मेंशन होगा कि आपने कितना फी पे कर रखा है, ठीक है, तो वो डाउनलोड करके रखिए। दूसरा क्या है, जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ है, अब जिनको सीट अलॉट नहीं है उनको कुछ नहीं करना, राउंड टू का वेट करना है। अब जिनको सीट अलॉट हुआ था, वेरीफाइड हो चुका है, उनको आगे क्या प्रोसेस करना है, तो बस ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बोला था, आपका जो वेरिफिकेशन हो गया है, वेरिफिकेशन कंप्लीट, उसका लेटर आपको डाउनलोड करके रखना है, वो जोसा के वेबसाइट पर लॉग इन करके तो मिल जाएगा। उसके बाद आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है, उसके बाद सीधे आपको 6 तारीख को वेट करना है राउंड टू का रिजल्ट का, ठीक है, और जिनका सीट वेरीफाइड नहीं हुआ है तो वेट करिए, जब वेरीफाइड हो जाएगा तो ये जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो करिएगा, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आपको डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, कोई डाउट होता है मेरे को कमेंट में बताइए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।